अगर जल में है तो ठीक है, पर अगर नाव में जल आ जाएगा तो डूब जाएगी। नाव अगर जल में है तो ठीक है, पर नाव में जल आ जाएगा तो फिर नाव डूब जाएगी। उसी प्रकार तुम अगर संसार में हो, जग में हो तो ठीक है, लेकिन संसार तुम्हारे भीतर आ जाएगा तो तुम भी डूब जाओगे। बोलो सीताराम, उपाय क्या है कि जल में ना रहें। नाव में अगर पानी बढ़ने लगे तो क्या करना चाहिए? पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानों का। संत कहते भैया नाव में पानी बढ़े घर में दाम बढ़े तो दोनों हाथों से उलीचना चाहिए। बोलो जय सियाराम। जिसके भी घर में पैसा ज्यादा बढ़ गया हो कल से ही उलीचना प्रारंभ कर दो। जय बजरंग बली की। अच्छा, उलीचने का मतलब फेंकना नहीं है, सदुपयोग में लगाना है। क्यों? रखा रखा गड़बड़ हो जाएगा। उसी प्रकार नाव में पानी भरेगा तो नाव डूब जाएगी, पर जीवन में याद रखना नाव तब तक नहीं डूबती जब तक नाव में पानी नहीं जाता। उसी प्रकार इंसान भी तब तक नहीं मरता जब तक उसके अंदर संसार नहीं जाता। अगर संसार घुस जाए तो वो जीते जी ही मर जाता है। उपचार क्या? हम छोटे थे, हम अपनी बात बता रहे, बहुत पुरानी बात है। हम छोटे थे, हमारे गुरुजी ने हमसे कहा बरसात आ गई है, एक काम करो जरा बारिश का पानी निकल जाए एक मेड़ को फोड़ दो। बच्चे ही थे, हाथ में हमने फावड़ा लिया, जाने लगे। गुरुजी बोले रुको, पहले तुम एक काम करो अपने पैरों में सरसों का तेल लगा लो। हमने तेल लगा लिया, बात समझ में नहीं आई, पर हम पानी में घुस करके हमने कचरा को साफ किया, नाली साफ की और खेत की मेड़ का पानी दूसरी मेड़ में जाने लगा, जिससे आश्रम में पानी नहीं भरा। पर हम वापस आए तो गुरुजी से पूछा कि आपने पानी में जाने से पहले हमारे पैरों में तेल क्यों लगवाया? गुरुजी बोले बेटा अपने पैरों को गौर से देखो, क्या पानी चिपका है? हम के बिल्कुल नहीं चिपका। बोले बेटा पानी ना चिपके उसके लिए तरल पदार्थ लगा लो तो पानी तुम्हारे शरीर में अंदर नहीं भरेगा। उसी प्रकार संसार तुम्हारे अंदर ना भरे उसके लिए हनुमान जी की भक्ति का तरल पदार्थ अपने दिल में लगा लेना चाहिए। हाँ, हनुमान जी की भक्ति का पदार्थ आप अपने दिल में लगा लोगे तो ना तो संसार की वासनाएं भरेंगी ना कामनाएं भरेंगी। हम तो कहते दुख भी संसार का तुम्हारे भीतर नहीं भरेगा। बोलो जय सियाराम। पूरा खेल मन का है। किसका खेल है? किसका खेल है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से ही आदमी हार जाता, मन से ही जीत जाता। कोई आदमी का मन ठीक हो तो उसे बेसुरा बैंड बाजा भी अच्छा लगता है, और किसी आदमी का मन खराब हो तो शास्त्रीय संगीत के गीत भी बेकार लगते हैं। बोलो जय सियाराम। इससे सिद्ध होता मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।